एएचएन न्यूज खबर दुनिया भर से। सनी डियोल आया ऊपर से मुंबई से आके सनी डियोल बोल रहा कि हैदराबाद कितना बदल गया, कितना सुंदर हो गया, मैं भी यहाँ पे घर लेके बस जाता हूँ। पर यहाँ पे हमारे जितने बेवकूफ बीजेपी और कांग्रेस वाले हैं, इनको नहीं समझ आ रहा। इसलिए भाइयों, मैं एक ही बात बोलता हूँ, बिजली की सहूलत ठीक करने वाले, पानी की सहूलत ठीक करने वाले, एक गंगा जमुना तहजीब कायम रखने वाले, मजबूत करने वाले हमारे चीफ मिनिस्टर के हाथ मजबूत करिए। आज अगर आपके वोट से हमें जो ताकत मिलती है, उससे और जोर से काम करेंगे हैदराबाद में। हमारी ख्वाब है, हमारी सपना है कि हैदराबाद को एक यूनिवर्स ग्लोबल सिटी बनाए। आज हम 70 किलोमीटर मेट्रो हम मुकम्मिल कर दिए, पर इससे हम खुश नहीं है। आगे इसको 400 किलोमीटर तक ले जाना है, ओल्ड सिटी में ले जाना है, एयरपोर्ट तक ले जाना है और सिटी के चारों कोनों में भी ले जाना है। एक अमन पसंद चीफ मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर जो हैदराबाद को अव्वल दर्जा पे बिठाना चाहते हैं, उनकी आप मदद कीजिए। चाहे कोई भी आए दिल्ली से मेहमान, मोदी या राहुल गांधी जो भी बकवास करें, एक जना के बोलता, मोदी आके बोलता हम कांग्रेस के भी टीम है, और राहुल गांधी आके बोलता हम बीजेपी के भी टीम है। भाई, हम किसी के भी टीम नहीं, अगर हम है कुछ तो हम तेलंगाना आवाम के ए टीम है, अव्वल दर्जा टीम है। इसलिए मैं कहता हूं भाइयों, आप वोट दीजिए 30 तारीख को कार के निशान पे। याद है ना हमारी निशान, कार हमारी निशान है, तेलंगाना हमारी पहचान है और केसीआर हमारे शान है। ये चार लफ्ज आपसे कहते हुए, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे आनंद भाई को वोट दीजिए, और वोट देके चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, आप हर शहरी आज तरक्की को, प्रोग्रेस को, विकास को वोट दीजिए। काम करने वाले चीफ मिनिस्टर का, काम करने वाली हुकूमत का मदद दीजिए, और इंशाल्लाह इस रियासत को पूरे हिंदुस्तान में नंबर वन रियासत बनाने में आपका मदद भी मिलेगा, और नामपल्ली भी जरूर हमारे गिनती में आएगा। और जैसा कोहली ने सेंचुरी मारा, केसीआर भी सेंचुरी मारेंगे, जैसा शमी ने हैट्रिक किया, केसीआर भी हैट्रिक करेंगे। ये बात कहते हुए जय तेलंगाना। एएचएन न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।